तब तक जो OMC कंपनी है वहाँ पे उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके साइट इंचार्ज OMC वाले ऑफिसर्स रहते हैं। और ये इमरजेंसी 3 लेवल का मतलब है कि कार्यक्रम में बेहद रोचक भी रहा है, हमें काफ़ी जानकारी मिली है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी इंसिडेंट हमारे नज़दीक नहीं होगा, अगर होगा तो हमारी पूरी टीम तैयार है, प्रशासन भी और कंपनीज भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने Level 3 की मॉक ड्रिल की है। ये ऐसा मॉक ड्रिल है जिसमें जिसको कंट्रोल करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जब तक कि पब्लिक डिस्ट्रिक्ट टीम नहीं आती है तब तक जो OMC कंपनी है वहाँ पे उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके साइट इंचार्ज OMC वाले ऑफिसर्स रहते हैं। और ये इमरजेंसी 3 लेवल का मतलब है कि इसमें ये इतने विनाशकारी इमरजेंसी रहती है कि प्लांट के अंदर की बजाय, इंस्टॉलेशन के अंदर की बजाय, ये बाहर जो आम जनता है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, और जिसका आज हमने एक अभ्यास किया। और अभ्यास के दौरान हमने पाया कि कोऑर्डिनेशन अजमेर में जो है बहुत ही शानदार तरह से कोऑर्डिनेशन किया सभी टीम ने, NDRF की टीम, SDRF की टीम, सिविल डिफेंस की, मेडिकल और EDM और SDM सब टाइम पे पहुंचे, और फायर को हमने अच्छे से एक्सटिंग्विश किया, तो उसका अभ्यास में हम लोग सफल रहे। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे कि भगवान न करे कुछ इंसिडेंट हो तो हम लोग उसको अच्छे से एक्सटिंग्विश करने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जय।